दोस्तों, आज के टाइम में जब भारत का स्पेसएक्स प्रोग्राम को देखा जाता है तो इसरो ने इतनी सफलताएं लगातार हासिल कर ली हैं कि उसे 21वीं सदी की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली स्पेस एजेंसी के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसने ना सिर्फ चांद पर बल्कि मंगल पर भी अपने पहली बार के सफल मिशन से झंडे गाड़ दिए हैं, जिससे साबित होता है कि भारत के पास स्पेस इंडस्ट्री का अच्छा खासा पोटेंशियल मौजूद है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अमेरिका ने महसूस किया था, और फिर उसने प्राइवेट स्पेस एजेंसीज को भी सेक्टर में आने की अनुमति दी, और उसी से आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क का घर चल रहा है। बिल्कुल उसी स्पेसएक्स की तर्ज पर अब भारत ने भी अपनी पहली प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्काई रूट को लॉन्च किया है। इसके साथ ही देश का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रमएस को भी लॉन्च कर दिया गया। ये रॉकेट साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा स्पीड से अंतरिक्ष की ओर गया था। इसने 81.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 पेलोड सफलता से इजेक्ट किए, 89.5 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई हासिल की, और फिर समुद्र में वापस से अपनी निर्धारित जगह पर स्प्लैश डाउन किया। और इसी लॉन्चिंग के साथ ही इसे बनाने वाले 4 साल पुराने स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के नाम एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई, जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे हुआ और क्या भारत में भी स्पेसएक्स जैसी कोई कंपनी बन पाएगी। तो जवाब हाँ भी और ना भी। सबसे पहले शुरुआत अगर पहले प्राइवेट रॉकेट के बनने से करें तो इस सब की शुरुआत होती है साल 2018 से, जब इसरो के साइंटिस्ट पवन कुमार चंदना और नागा भरत डका ने नौकरी छोड़कर स्पेस से रिलेटेड अपनी कंपनी चलाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि उस वक्त भारत में सेक्टर में कोई प्राइवेट प्लेयर नहीं था, इसलिए IIT के इन दोनों फॉर्मर स्टूडेंट्स का फ्यूचर भी धुंधला दिख रहा था, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट स्पेस प्रोग्राम बहुत मुश्किल बात थी। चंदना को अंतरिक्ष और रॉकेटरी का चस्का लगा IIT खड़गपुर में, यहाँ वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। IIT के बाद चंदना ने इसरो ज्वाइन कर लिया। चंदना ने इसरो में 6 साल काम किया। वो केरला के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में तैनात थे। इसरो में ही चंदना की मुलाकात एक दूसरे IITian नागा भरत डका से हुई। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को समझा, नौकरी छोड़ दी। इसके बाद 2018 में इन दोनों ने मिलकर स्काई रूट एरोस्पेस की शुरुआत की। शुरुआत तो हो गई, लेकिन रॉकेट तक पहुंचे कैसे उसे समझे तो स्काई रूट एरोस्पेस ने कंपनी के लॉन्चिंग के साथ ही रॉकेट की रफ्तार से उड़ान भरी है। किसी भी सरकारी एजेंसी को स्मॉल सैटेलाइट बनाने में कम से कम 6 महीनों का समय लगता है, लेकिन जून 2018 में स्काई रूट एरोस्पेस ने सिर्फ 1 हफ्ते में स्मॉल सैटेलाइट तैयार करने का वादा किया था। अब उनके इस वादे पर मिंत्रा कंपनी के फाउंडर मुकेश बंसल ने स्काई रूट एरोस्पेस को 10.8 करोड़ रुपए की सीड फंड यानी शुरुआती इन्वेस्टमेंट किया था। इसके बाद अगस्त 2020 में कंपनी ने अपने पहले लिक्विड प्रोपल्शन का सफल टेस्ट किया। उसके अगले महीने यानी कि सितंबर 2020 में पूरी तरह से लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन पर चलने वाले क्रायोजेनिक इंजन धवन 1 को 2 दिनों में तैयार किया। फिर उसके अगले महीने अक्टूबर 2020 में दुनिया के सबसे सस्ते दाम पर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने के लिए स्पेस लॉन्च व्हीकल कैटेगरी में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड जीत कर लोगों को दिखा दिया। इसके बाद मार्केट में इस कंपनी को लेकर काफी बात होने लगी, लेकिन इस कंपनी का काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि इसरो इसे मान्यता नहीं देती। इसलिए सितंबर 2021 में कंपनी ने इसरो के साथ एक डील कर ली, जिसमें कंपनी के लिए इसरो ने कहा कि उनकी रॉकेट लॉन्चिंग में वो मदद करेगी। इसके बाद जनवरी 2022 में कंपनी को गूगल के फाउंडिंग बोर्ड मेंबर राम श्रीराम से 34 करोड़ रुपए की सीरीज बी फंडिंग मिली। इसका मतलब था कि अब बड़े लोगों ने भी इस कंपनी पर भरोसा जताना शुरू कर दिया था। मई 2022 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पर भारत सरकार ने कंपनी को टेक्नोलॉजी स्टार्टअप अवार्ड दिया, और उसी के साथ शुरू हुआ सफर पहले प्राइवेट रॉकेट का, जिसे उसी महीने यानी मई 2022 में कंपनी ने रॉकेट स्टेज इंजन की सफल टेस्टिंग की, और फाइनली नवंबर 2022 में देश के पहले प्राइवेट रॉकेट को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली गई, जिसे इसी नवंबर महीने में लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद से स्काई रूट हर जगह चर्चा में आ गया। अब स्काई रूट एरोस्पेस की टीम में इसरो और DRDO के 35 साइंटिस्ट हैं। ये दुनिया में सॉलिड और लिक्विड प्रोपल्शन स्टेज पर काम करने वाली चुनिंदा कंपनीज में से एक हैं। अब अगर हम इस रॉकेट सीरीज की बात करें तो इस सीरीज में 3 रॉकेट विक्रम 1, विक्रम 2 और विक्रम 3 हैं। स्काई रूट ने भारत के स्पेस प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के सम्मान में अपने लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट का नाम विक्रम रखा है।
आपको बता दें कि 2020 में प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला गया था। उसके बाद से इस सेक्टर में बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, अग्निकुल, ध्रुव, एस्ट्रोगेट जैसी कई कंपनीज आ चुकी हैं, जो स्काई रूट के इस सक्सेस से मोटिवेट होकर आगे और सस्ता और ऑथेंटिक काम कर सकेंगे। अब अगर सरकार का विजन देखें तो उनका भी यही मानना है कि देश में स्पेस सेक्टर को प्राइवेट कंपनीज के लिए खोलने से इनोवेशन बढ़ेगा और कम खर्च में सैटेलाइट लॉन्चिंग को बढ़ावा मिलेगा। इससे इन कंपनीज को अपना स्पेस मिशन पूरा करने का मौका मिलेगा और अंतरिक्ष की उड़ान हर इंसान के लिए सस्ती, रिलायबल और रेगुलर होगी। इसके अलावा मेन मुद्दा तो कमाई का ही है, इसीलिए प्राइवेट कंपनीज के आने से भारत को दुनिया के 400 अरब डॉलर यानी करीब 32,000 करोड़ रुपए के स्पेस टेक मार्केट में अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। भारतीय स्पेस टेक इंडस्ट्री के 2035 तक 77 अरब डॉलर यानी करीब 6200 करोड़ रुपए का हो जाने का अनुमान है। अब इससे आप ऐसे सोच सकते हैं कि ये सेक्टर कितना जरूरी है। वैसे अगर आपने पहले एक बात गौर की हो तो हमने आपको कहा था कि इसरो स्काई रूट की लॉन्चिंग में उसकी मदद करेगा। अब इसके बारे में अगर आपको समझाएं तो विक्रम एस रॉकेट को भले स्काई रूट एरोस्पेस ने बनाया हो, लेकिन इसे लॉन्च किया गया इसरो की फैसिलिटी से। इसका कारण ये है कि फिलहाल देश में किसी भी प्राइवेटली हेल्ड कंपनी के पास लॉन्च पैड नहीं है, इसलिए इन कंपनीज का माई बाप अंत में इसरो ही बनने वाला है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या स्पेस टूरिज्म के दरवाजे खुल जाएंगे? तो उसका जवाब है अभी फिलहाल तो नहीं, क्योंकि स्काई रूट अभी अपने बिल्कुल शुरुआती फेज में और अभी उसने जो लॉन्च भी किया था वो बस टेस्ट था। इसकी सफलता के बाद दो और रॉकेट बनाए जाएंगे जिसका नाम है विक्रम 2 और विक्रम 3। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही रॉकेट फिलहाल कमर्शियल लॉन्च के लिए हैं, यानी इससे किसी इंसान को अंतरिक्ष की यात्रा नहीं कराई जाएगी, बल्कि किसी और देश या इसरो के सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। अब स्काई रूट के स्पेसएक्स जैसी कंपनी होने की बात करें तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि अभी ऐसा होने में यानी भारत से स्पेस ट्रैवल पॉसिबल होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। इंसानों को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए बेहद जटिल तकनीक की जरूरत होती है, उस पर इसरो काम कर रहा है। भविष्य में ये हो सकता है कि निजी कंपनियों के साथ मिलकर इसरो अंतरिक्ष यात्राएं कराए, लेकिन विक्रम एस की सफलता से एक बात तय है कि अलग अलग ताकत और वजन ढोने वाले रॉकेट्स के बनने से इसरो पर जोर कम पड़ेगा। इसरो निजी रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में कमर्शियल सैटेलाइट तैनात करेगा, इसीलिए देश को निजी कंपनियों के रॉकेट्स की जरूरत है। इस रॉकेट से छोटे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की निर्धारित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस रॉकेट का वजन 545 किलोग्राम है, व्यास 0.375 मीटर है, उड़ान भरकर 89 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया। ये बात भी सही है कि प्राइवेट कंपनीज के आने से कमर्शियल लॉन्चिंग सस्ती हो जाएगी। इसके पीछे वजह यह है कि स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस पूरी तरह से कंपोजिट कार्बन से बना है, यानी इसमें मेटल का उपयोग कम किया गया है, जो कि सस्ता पड़ता है। इसके अलावा इसका क्रायोजेनिक इंजन भी 3D प्रिंटेड है, यानी इसके मैन्युफैक्चरिंग की लागत भी कम हो गई। इसके फ्यूल को भी बदला गया है, इसे आम रॉकेट ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन की मदद से बनाया गया है। ये किफायती और पोल्यूशन फ्री होता है, इस हिसाब से प्राइवेट कंपनीज के लॉन्च 30-40% सस्ते हो जाएंगे। बात अगर पूरी दुनिया से कंपैरिजन की करें तो दुनिया में इन दिनों रॉकेट बनाने वाली कई 4 दर्जन कंपनियां हैं, ब्लू ऑरिजिन, स्पेसएक्स, अस्त्र स्पेस, फायरफ्लाई एरोस्पेस, लॉकहीड मार्टिन, वन स्पेस, रॉकेट लैब जैसे और कई अन्य। इनमें भारत की अग्निकुल, बेलाट्रिक्स और स्काई रूट का नाम भी है। फिलहाल वर्जिन ऑर्बिट, स्पेसएक्स, ब्लू ऑरिजिन जैसी बड़ी कंपनियां स्पेस टूरिज्म और कार्गो फैसिलिटी स्पेस तक पहुंचा रही हैं। खैर, आज भले ही भारत में स्पेस टूरिज्म को लेकर बात हो रही हो, लेकिन अभी हमें ये भी समझना चाहिए कि अगर ये कंपनियां इस तरह की सुविधाएं भी शुरू कर देती हैं तो भारत में उसकी सफलता के बहुत कम आसार हैं, क्योंकि स्पेस तक जाने में कोई आम खर्चा नहीं आने वाला। और भारत में अब जाकर फ्लाइट का सिस्टम आम हो रहा है, वो भी अपर मिडिल क्लास लोगों के बीच में, तो ऐसे में स्पेस टूरिज्म तो अमेरिका जैसे देशों में अभी पॉसिबल हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या आप आने वाले समय में स्पेस टूरिस्ट बनना चाहते हैं या नहीं? आप अपनी राय में कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही ये भी कि इस सेक्टर को प्राइवेट करने में सरकार को फायदा होगा या नहीं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।